हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज हार्मफुल प्रोग्राम्स डेट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। यूटिलिटी आर मेंट टू असिस्ट योर कंप्यूटर। सम यूटिलिटी हेल्प यू बैकअप डेटा, सम हेल्प रिमूव आउटडेटेड फाइल्स और रिकवर डेटा that has been accidentally erased. Some make it easier to find and arrange the information you need, and some help you avoid virus attack or clean virus if any. In other words, the utility programs perform housekeeping function. It is an established truth that everything comes with certain pros and cons. Software also are not an exception to it. Utility bridge the gaps by helping to solve the problems and maximize your computer's potential. Dubita, utility software kuch service program se bhi जाना जाता है और एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, और इसे विशेष रूप से आप कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए आपको डिज़ाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटीज या एंड सर्विस रूटीन के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर्स को रिपेयर और कंप्यूटर की वर्कएबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और या आप ये भी बोल सकते हो कि ये एंटीवायरस के ये प्रोग्राम कोड होता है, जो ये भी बोल सकते हो आप कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में हिडन हुए सारे वायरस प्रोग्राम को सर्च करके निकालता है और उस कंप्यूटर को डिलीट यानी उसे डिलीट भी करता है, और कंप्यूटर के लिए सेफग्रेड जैसे वर्क करता है। जैसे मेलवेयर एग्जांपल्स में आपको कंप्यूटर स्वाम ट्रोजन और से ये आपको क्या करता है, सेफ्टी रखता है, बचाता है। या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन और एंड मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ आते हैं और कुछ डिफरेंट से भी इंस्टॉल, कुछ अलग से भी हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप जो है डिस्क फ्रेगमेंटर या एंटीवायरस स्क्रीन सेवर, ये सब सारे जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है बेटा आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर। सेकेंड है स्कैन डिस्क। थर्ड है डिस्क क्लीनअप। फोर्थ है एंटीवायरस। और इसके बाद जो है फिफ्थ है डिस्क
चेकर के नाम से जानते हैं, डिस्क चेकर। और 6 है वायरस स्कैनर। ठीक है, एक है बेटा आपको जो है टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट और बैकअप यूटिलिटी। तो बेटा टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है कि टेक्स्ट एडिटर एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट तथा एडिट करने के लिए वर्क करता है। और ये मेमोरी में जो डेटा स्टोरेज होते हैं किसी भी फाइल्स अथवा टेक्स्ट में या कोई, तो हम क्या करते हैं उसे ओपन कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं और उसे सीन कर सकते हैं। ये सब सारे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। और ये किसी भी प्रोग्राम्स में लिखे गए कोड को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये किसी भी टेक्स्ट फाइल को इंसर्ट, डिलीट, किसी टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने की आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप नोटपैड या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब सारे जो है सबसे जो फेमस एडिटर है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के नाम से जानते हैं। एक होता है बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी में क्या होता है कि ये प्रोग्राम्स में डेटा को एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस में हम ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी होती है उसमें। और इसका यूज डेटा का बैकअप करने के लिए किया जाता है। बैकअप का तात्पर्य कि डिस्क को संग्रहित डेटा, माने कि हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इंफॉर्मेशन की डुप्लिकेट कॉपी तैयार करने से होता है। और जो हम क्या कर सकते हैं, आप अपना चाहें तो डुप्लिकेट कॉपी भी उसका तैयार कर सकते हैं। और कहीं भी डेटा अगर लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसमें हम बैकअप के लिए डेटा को, इंफॉर्मेशन या डेटा को आपको जो है पुनः रिसीव कर किया जा सकता है या बैकअप रखा जा सकता है, उसे रिस्टोर करके रखना पड़ता है। तो बैकअप यूटिलिटी के थ्रू रिस्टोर किया जाता है, ठीक है।